प्लीज अभी घर चले ना। मैंने कहा ना वो घर मेरा नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी इससे नाराजगी है। कभी भी मेरा घर नहीं था। खास तौर पे जब से अनवर ने मुझे तलाक भेजी। सिर्फ एक अमानत की हिफाजत कर रही थी, लेकिन जिसे अमानत लौटानी थी वही जिंदा नहीं रहा। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हो। जो तुम्हें ठीक लगता है वो ही करो। मैं ये नहीं कह रही मैं मिलने नहीं आऊंगी, लेकिन जब ठीक लगेगा खुद ही वापस आ जाऊंगी। किसी को मुझे मनाने के लिए आने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना बाजी है? जी नहीं, वो घर पे नहीं। उन्होंने तो मेरा मेकअप करना था और बात भी हो गई थी, एडवांस भी दे चुकी हूँ मैं। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अच्छा, सायरा भाभी तो होंगी ना? हाँ वो घर पर थी, पर अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई हैं। आप इंतजार कर ले उनका। मैं तो वैसे ही इतना लेट हो रही हूँ, तुम कर दो ना मेरा मेकअप। मैंने कभी किसी का मेकअप नहीं किया। अरे अपना भी तो करती हो, उसी तरह मेरा भी कर दो। मगर मैं कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। चल देखे। अरे वाह, तुमने तो मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया है। आज तो मेरे हस्बैंड मुझे देख के खुश हो जाएंगे। अगली बार आऊंगी ना तो तुम ही से मेकअप करवाऊंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जरूर इस कमरे में कई राज छुपे होंगे ताईजान के। सायरा भाभी के झूठ के बाद बहुत जरूरी हो गया है सबके सामने उनका असल चेहरा लाना।